उदाहरण दो, वित्तीय वर्ष 2012-13 में मकान किराया भत्ता छोड़कर एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4,80,000 रुपये है। उसने 36,000 रुपये भविष्य निधि में, 18,000 रुपये जीवन बीमा प्रीमियम में और 20,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र योजना में जमा किया। उसे वार्षिक देय आयकर पर 3% शिक्षा कर भी देना पड़ता है। यदि वह 1,500 रुपये प्रति माह आयकर 10 माह तक जमा करता है तो शेष आयकर की राशि बताइए। आयकर गणना करने के पहले भविष्य निधि, जीवन बीमा एवं राष्ट्रीय बचत पत्र में नियोजित राशि अधिकतम 1,00,000 रुपये कर मुक्त है। आयकर की दरें निम्नानुसार हैं। क्रमांक, कर योग्य सीमा, आयकर की दर। पहला, 2,00,000 रुपये तक कोई आयकर नहीं। दूसरा, 2,01,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक 10%। हल, वार्षिक आय। हल, वार्षिक आय बराबर 4,80,000 रुपए। पहला, भविष्य निधि में जमा राशि बराबर 36,000 रुपये नंबर दो, जीवन बीमा में जमा राशि बराबर 18,000 रुपये तीसरा, राष्ट्रीय बचत पत्र योजना में जमा राशि बराबर 20,000 रुपये कुल जमा राशि बराबर 36,000 रुपये जो है हमारा भविष्य निधि में जमा राशि धन, 18,000 रुपये जो है हमारा जीवन बीमा में जमा राशि और 20,000 रुपये जो है राष्ट्रीय बचत पत्र में पत्र योजना में जमा राशि है। कुल जो योग है, कुल जमा राशि का जो योग है 74,000 रुपये। कर योग आय, कर योग्य आय बराबर 4,80,000 रुपये ऋण 74,000 रुपये घटाने पर प्राप्त होगा 4,06,000 रुपये। आयकर बराबर 4,06,000 रुपये ऋण 2,00,000 रुपये का 10%। चूंकि 2,00,000 रुपये तक कोई आयकर नहीं लगता है,
इस तरह से बराबर 2,06,000 रुपये गुणित इसका 10% निकालेंगे, 4,06,000 में से 2,00,000 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 2,06,000 रुपये, इसका 10% निकालने के लिए गुणित 10/100 बराबर ये हमें प्राप्त होगा 20,600 रुपये। शिक्षा कर बराबर 20,600 जो हमने निकाला है रुपए का 3% हम ज्ञात करेंगे। तो 3% ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बराबर 20,600 गुणित 3/100 और इसको हल करने पर प्राप्त होगा 618 रुपये। अब हम कुल देय आयकर निकालेंगे, कुल देय आयकर, कुल देय आयकर जो है हमारा वो होगा 20,600 रुपये धन 618 रुपये हमारा शिक्षा कर निकला है और इसको जब हम योग करेंगे तो प्राप्त होगा 21,218 रुपये। 10 माह में जमा किया गया आयकर बराबर 1,500 रुपये प्रति माह किया था, तो 1,500 गुणित 10 बराबर 10 माह है तो 15,000 रुपये उसने 10 माह में किया गया जमा आयकर 15,000 रुपये होगा। तो शेष दे आयकर बराबर 21,218 रुपये में हम घटाएंगे, 15,000 रुपये इसने पहले ही जमा कर चुका है कटौती के रूप में, तो 21,218 में 15,000 को घटाएंगे तो 6,218 रुपये जो है 18 रुपये शेष देकर आयकर होगा। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया कि शेष दे आयकर जो है 10 माह की कटौती के बाद 6,218 रुपये होगा। यह इस उदाहरण का हल है।